ओम जय सियाराम। आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान रतन सिंह यादव जी का और उनका प्रश्न है, हेम सुताबर दास के कर छिटक गई दे श्राप, प्रगट भई सो आए जब भौम सूची में कीन्हों बास। हमारे मित्र यदु कुलभूषण श्रीमान रतन सिंह जी की पहेली का सर्वप्रथम शब्दार्थ निकालते हैं। हेमसुता मतलब हिमालय की पुत्री अर्थात माता पार्वती, बर मतलब पति अर्थात भगवान शिव, दास उनका भक्त अर्थात रावण, कर मतलब हाथ, छिटकी मतलब झटके से दूर होना, श्राप का मतलब बद्दुआ, अब प्रकट भई सो आए जब अर्थात वही दोबारा फिर प्रकट हुई, भौमी मतलब भूमि पृथ्वी और सूचि मतलब घड़ा या मटका, कीन्हों बास मतलब उसमें वास किया। तो यादव जी का प्रश्न एक अत्यंत भावुक संदर्भ में लिया गया है। इस संदर्भ की कहानी का वीडियो मैं पहले ही एक अलग प्रश्न कि दो तपसी वन में मरे दो तालाब के पास, दो तपसी तब मरे जब राम गए वनवास में बता चुका हूं। दरअसल ये प्रसंग माता सीता के पूर्व जन्म की कथा है, जब वो महर्षि कुशध्वज की बेटी वेदवती थी और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। वहीं पर महर्षि सरभंग का पुत्र विराध वेदवती से विवाह करना चाहता था, इसलिए वो उनके माता पिता पर दबाव बना रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जब ऋषि दंपत्ति ने पुत्री की मर्जी के खिलाफ विवाह से इनकार किया तो विराध ने वेदवती के माता पिता की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि कुशध्वज ने मरते हुए विराध को राक्षस होने का श्राप दे दिया और विराध के पिता ने भी विराध की हमेशा के लिए भटकने का श्राप दिया, तो विराध ने तलवार से अपने पिता का सर काट डाला, किंतु योग बल से महर्षि सरभंग ने सर अलग धड़ अलग होते हुए हजारों साल तपस्या किया और जब श्री राम जी द्वारा विराध का वध हुआ तब उन्होंने श्री राम के सामने ही अपना शरीर त्याग किया। इसका भी बहुत ये बहुत सुंदर कथा का इसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, जिसका लिंक ऊपर दे रहे हैं, कृपया ये वीडियो अवश्य देखिए। विराध वेदवती को ढूंढता रहा किंतु वो तो एक गुफा में अखंड ध्यान लगाकर तपस्या कर रही थी। वेदवती पूर्व जन्म में कौन थी, उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा, क्यों उन्होंने भगवान नारायण से ही विवाह की सौगंध ली थी और क्या है असली यूनिक कथा जो सोशल मीडिया पर अब तक नहीं आई। शीघ्र ही आदर्श धर्म वेबसाइट पर इसका वीडियो आने वाला है, जिसकी सूचना आप सबको प्रदान की जाएगी। यहां वीडियो विस्तार के कारण विषय पर आते हैं। तो वेदवती की मंत्र ध्वनि जब पूरे भूमंडल पर गूंज रही थी, उस आवाज से खिंचा हुआ चला आया रावण, परंतु महर्षि विश्वामित्र ने इस विषय में अपने ग्रंथ सीता पुनरागमनम में लिखा है कि विराध ने रावण से वेदवती को ढूंढने में मदद करने की प्रार्थना किया था और बदले में हमेशा के लिए उसका दास होना स्वीकार किया था। जब रावण ने वेदवती को ढूंढ निकाला और उनकी सुंदरता देखकर उसकी खुद की नियत खराब हो गई और उसने विराध का विवाह अपने ममेरे भाई खरदूषण की बहन अधोमुखी से करा दिया, जो खुद बहुत सुंदर के साथ बहुत ताकतवर थी। अधोमुखी से विवाह के कारण विराध तो संतुष्ट हो गया था। विराध का वध जब भगवान श्री राम के द्वारा हो गया तो इसी अधोमुखी ने जब लक्ष्मण को मारने की कोशिश की थी
इसका भी वीडियो न थी वो चील जो लक्ष्मण को आकाश में ले उड़ी, वो वीडियो का भी लिंक मैं दे रहा हूं, वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। तो रावण ने वेदवती से खुद के साथ विवाह का प्रस्ताव किया तो वेदवती के इनकार के कारण रावण ने वेदवती की चोटी पकड़ ली और खींचकर पुष्पक विमान में ले जाना चाहता था, किंतु वेदवती ने अपनी चोटी काट कर खुद ही जमीन में समा गई। रावण के देखते देखते जमीन में समाते हुए उन्होंने श्राप दिया था कि मेरे इन्हीं केसों, जो तेरे हाथ में ये मेरे केस हैं, इन्हीं केसों के द्वारा, इन्हीं केसों की वजह से तेरी मृत्यु होगी और मरते समय तुझे तेरा ये जितना घमंड अभिमान है इस सब को चकना चूर करते हुए मेरे पति ही तेरा वध करेंगे। रावण महान बरदानी बलशाली दुष्ट राक्षस होते हुए एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। ब्राह्मणों ऋषियों जो तपस्या करते थे उनसे टैक्स मांगता था, कर मांगता था, उनके पास क्या था जो बेचारे टैक्स देते, इसलिए उसने कहा कि कुछ नहीं है तो अपना रक्त दो। रावण ने अपने साथ शास्त्रार्थ में राजा जनक द्वारा हार जाने से जो वो खुद व्यथित था, इसका भी अलग वीडियो आएगा जल्दी ही। रावण की एक बड़ी खास बात थी, रावण अपनी हार को कभी भूलता नहीं था, वो बदला जरूर लेता था। उसके अंदर ये भावना कूट कूट कर भरी थी कि एक बार अगर हम असफल हो गए हैं तो अगली बार कुछ ना कुछ करके उसका नुकसान करना। जब एक बार रावण और राजा जनक का शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में रावण बुरी तरह से हार गया था, तो जब सैनिक ऋषियों के रक्त को उस घड़े में भर कर लाए तो रावण को पता था कि ये जब ऋषियों ने खून दिया है तो उस खून को देते समय ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने बद्दुआ श्राप न दिया हो। तो वो सभी श्राप इकट्ठे थे, उसी में उसने उस वेदवती का जो केस चोटी थी वो उसी घड़े में डाल देता है। और राजा जनक जहां मिथिला के राजा थे तो अपने सैनिकों से कहा कि जा करके इसे मिथिला में गाड़ दो, जाके जमीन के अंदर, सारे श्राप वहीं पे लगेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं लगेगा। और ऐसे ऋषियों से धरती मुक्त हो गई। और जब ऋषि नहीं होंगे तो तपस्या कौन करेगा, अस्त्र शस्त्र कौन प्राप्त करेगा, मेरा वध नहीं हो सकता, राक्षसों की वृद्धि होगी। ऋषियों ने रक्त देते हुए श्राप दिए थे कि इस रक्त को ले जाओ, इसी रक्त से तुम्हारी मौत का जन्म होगा। उसी रक्त में दूसरा श्राप वेदवती की चोटी डालकर जनकपुर भेज दिया, जिससे जनकपुर में अकाल पड़ गया, जिसके कारण राजा रानी ने स्वयं हल चलाया और वही घड़ा मिला जिसमें वेदवती अर्थात जगत जननी ने दोबारा शरीर धारण कर लिया था और वो सीता जानकी के नाम से विख्यात हुई और रावण सहित संपूर्ण राक्षस जाति के मौत का कारण बनी। अब यहां बहुत सारे कुतर्की बोलेंगे कि बिना शुक्र और अंड के बच्चा नहीं हो सकता, यह विज्ञान कहता है। उनके लिए मेरा एक ही प्रश्न है कि पहले मुर्गी हुई थी या पहले अंडा, इसका जवाब ढूंढ लें और पूछ लें विज्ञान से, फिर कुतर्क करेंगे। क्योंकि उनके अनुसार बिना अंडा के मुर्गी नहीं बन सकती और बिना मुर्गी के अंडा दिया फिर किसने, यह विज्ञान बता दे। आध्यात्म के अनुसार परम पिता भगवान या महामाया जगत जननी जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, बाद में लीला बस बालक बालिका का रूप बनाते हैं। वो चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण जी हो, वामन जी हो, नरसिंह अवतार हो, परशुराम जी हो, वेदवती हो, सीता हो, राधा हो, रुक्मणी हो, सभी प्रकट हुए हैं। माता पार्वती भी हमेशा अपनी मर्जी से प्रकट हुई हैं
और हम सब सनातनी इस बात को जानते हैं और मानते हैं। अद्भुत रामायण में वर्णित कथा कि मंदोदरी ने ऋषियों का रक्त पी लिया था, जिससे सीता पैदा हो गई, फिर पूरी तरह से, फिर वो जाकर के वहां फिकवा दिया था जमीन में, उस बच्चे को दफन करा दिया था। यह सारी कथा झूठी और निराधार है। अद्भुत रामायण ही कलयुग में लिखी गई है। और कब लिखी गई है? अद्भुत रामायण मुगल काल में लिखी गई, बिल्कुल निराधार और झूठी कहानियां उसमें डाली गई हैं। अद्भुत रामायण ही कलयुग में लिखी गई है और विभिन्न लोगों द्वारा मनोरंजन के लिए लिखी गई, जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। और कोरी गप मिलावट जो मुगल काल में कराई गई, उसका जीता जागता उदाहरण ये अद्भुत रामायण है। तत्कालीन त्रेता में मौजूद रहे किसी लेखक कवि ने मंदोदरी की बेटी होने का एक शब्द कहीं नहीं लिखा। अतः सिर्फ नाटक मंडली द्वारा वर्णित किसी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त, स्वयं पवन पुत्र हनुमान, महर्षि विश्वामित्र, इनमें से किसी के किसी भी ग्रंथ में एक शब्द नहीं लिखा गया कि सीता मंदोदरी की बेटी थी। मुगलों को खुश करने के लिए लिखी गई मिलावट से माता सीता को राक्षस की बेटी कहने वाले तो पापी हैं ही, उनके साथ सुनने वाले और सुनकर चुप रहने वाले को उससे ज्यादा पाप लगता है। रामायण में सभी ने विस्तार से सब कुछ बताया। फिर रामायण के प्रमुख पात्र की आज की भाषा में हीरोइन के माता पिता की बात क्यों छिपाते? अतः कुतर्की लोग कृपया अपने कुतर्क अपने पास रखें। वैसे विज्ञान के भक्तों को यह भी मालूम होना चाहिए कि मुख से कुछ भी खाने पीने से बच्चे का जन्म नहीं होता। वो पेट में जाकर मल या मूत्र या विटामिन ही बन सकता था। मुख से खाने पीने से गर्भाशय तक कुछ नहीं पहुंच सकता। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीमान यादव जी के प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय सियाराम।